नमस्कार, मैं संतोष कुमार पटेल और आप टेक्नो प्लस स्टडी चैनल देख रहे हैं। इस चैनल पर हम हाई स्कूल और इंटर और मोबाइल और कंप्यूटर संबंधी वीडियो प्रोवाइड कराते रहते हैं। तो अगर आपको हाई स्कूल और इंटर से रिलेटेड कोई भी सब्जेक्ट की तैयारी के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज हम हाई स्कूल से रिलेटेड मैथ का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पहले पाठ का है, जो वास्तविक संख्याएं पाठ है, इसका हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेंगे। इस पाठ से इतने ही क्वेश्चन आने हैं, इस टाइप के क्वेश्चन जो भी हमने समेट करके पूरा बनाया वीडियो, इसी तरह हर पाठ का वीडियो बनाएंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का। इतने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप कर लेंगे तो आप हाई स्कूल परीक्षा आराम से पास कर सकते हैं और आराम से अच्छा स्मार्क कर सकते हैं। तो इस तरह के हम क्वेश्चन सही बने। तो अगर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और बताते हैं क्या है। तो वीडियो में जैसा कि हम आपको दिखा रहे हैं कि इसमें वास्तविक संख्याएं आपका पहला पार्ट है। आपको चाहे जो भी पुस्तक हो, आपका अगर यूपी बोर्ड से बिलोंग करते हैं या एनसीईआरटी से, एनसीईआरटी पर उपलब्ध है, ध्यान दीजिएगा एनसीईआरटी पर है। ओके, तो इसमें का आपका पहला क्वेश्चन हमने लिया है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में। पहला क्वेश्चन कि यूक्लिड विभाजन के एल्गोरिथम का प्रयोग करके संख्या का मासा ज्ञात कीजिए। यूक्लिड के विभाजन का एल्गोरिथम, तो मासा ज्ञात करना है। हमने दो क्वेश्चन लिया है, आप इतना अगर इसको हल कर लेते हैं तो इसी तरह जो भी मिलेगा, इस जितने भी क्वेश्चन लिए इसी तरह आपका जो भी आपके बुक में मिले उसको भी आप बना के हल कर लीजिएगा। लेकिन इसको आप समझ लीजिए। पहला क्वेश्चन है ये 135 और 225 का मासा कैसे निकालना है और यूक्लिड के विभाजन का। तो आपको ये विभाजन का परिमेय है, परिमेय को आपके भाज्य बराबर भाज्य गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो आपको भाग करेंगे, छोटी संख्या को बाहर और बड़ी संख्या को अंदर करना है, ध्यान में रखना छोटी संख्या को बाहर और बड़ी संख्या को अंदर। उसका डिवीजन करेंगे, जो शेष आएगा उसको फिर से रख लेंगे इसी तरह, और यहाँ वाला जो यहाँ पर हम जिसे भाग करेंगे इसको हम अंदर कर लेंगे। फिर वही क्रिया करेंगे, जो शेषफल आएगा वो बन जाएगा भाजक और इधर आपका भाज्य यहाँ पर हो जाएगा और जो भी आएगा लास्ट में ये जीरो आ जाने कट जाना चाहिए। ये आपका क्रम चलता रहेगा इसी तरह, ये क्रम चलेगा यहाँ से यहाँ तक पूरा टोटल। और यहाँ पर सूत्र के हिसाब से अगर रखते हैं तो अपनी अपनी जगह रख देंगे। ये है भाज्य, भाज्य बीच वाले को कहते हैं, और ये है आपका भाजक जो किनारे रहता है, गुड़ा ये जो हाँ आए रहे यहाँ पर लिख दीजिए और शेषफल जो आए उसको यहाँ पर लीजिए। सेम यही क्रिया करते जाएंगे। फिर 135 ये इधर चलाएगा और ये शेषफल आपका अंदर आएगा और इसको भाग करेंगे यहाँ वाला एक आ जाएगा। इसी तरह 45 आपका ये जो 90 है फिर से यहाँ आ जाएगा। उसके बाद 45 यहाँ पर भाग किए, देखिए 45 से हम डिवाइड किए तो आपका उस सॉरी यहाँ 2 होना चाहिए, तो यहाँ 90 कट गया पूरा टोटली, आपका शेषफल जीरो आ गया यहाँ पर, देखिए जीरो आ गया। तो ये यहाँ पर खत्म हो गया, शेषफल जीरो आना चाहिए। शेषफल अगर आपका जीरो आ जाता है, शेषफल आपका जीरो आना चाहिए। देखिए ये हम पूरा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यूज करें हैं। इसका पीडीएफ हम डिस्क्रिप्शन दे देंगे, आप डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां से लिख लीजिएगा आप, ठीक है। तो आप इसको एक बार देख लीजिए, अतः 135 और 225 का 45 आएगा, 125 और 235 का 225 का 45 आपका मासा हो गया, ये पहला। और इसके बाद जो अगली सवाल है 867 और 255, इसका भी इसी तरह परिमेय आपको करना है, देख लीजिए। ये है आपका छोटी संख्या को हम बाहर और बड़ी संख्या को अंदर, इसका हम डिवीजन भाग करेंगे तो जो भी आएगा उस शेषफल को फिर बाहर, फिर जो यहाँ पर रहेगा इसको हम अंदर कर लेंगे। इसी तरह जो फिर शेषफल आ गया उसके बाद यहाँ वाला चीज हम अंदर कर लेंगे। हर बार यहाँ वाला चीज हमको अंदर करना है, ध्यान में रखना है, यहाँ वाला चीज अंदर में रखना है, फिर यहाँ वाला चीज आपको अंदर जाना है, ये चीज ध्यान में रखना। तो इधर शेषफल जीरो आ जाएगा। तो यही क्रिया हम बार बार, ये 200 पहले इसको लिखेंगे कितनी बार गुणा किया गया, इसमें इसका गुणा होता है, ये गुणा हर बार यही, ये इसका गुणा, इसी तरह लिखना। तो इसका 102 गुणा 2 तो आया होगा 255 प्लस शेषफल जो रहे, प्लस शेषफल सूत्र वही है जो ऊपर हमने दिखाया था, सूत्र वही है, यही सूत्र रखना है, भाज्य बराबर भाज्य गुणे भागफल प्लस शेषफल यही रखना है।
तो इस तरह सेसफल जीरो इसमें आ गया, सेसफल जीरो आ गया। तो अतः मासा इसका निकला जो यहाँ किनारे पे लास्ट में निकलता है, यही आपका मासा होता है। इसमें पे जो भी ये निकल टिक हम लगा दिए हैं, ये आपका मासा निकलता है। बहुत आसान है, कोई कठिन नहीं है। रखने की विधि हम बताते हैं, जो बीच में रहे, जो यहाँ पर रहता है, इसको हम पहले लिखेंगे बाहर, इसको हम बाहर लिखेंगे। बाहर लिखने के बाद आपको ये जो यहाँ पर रहे अंदर वाला चीज, ये वाला, इसको यहाँ पर लिखेंगे। ये दोनों गुड़ा में लिखना है, इसको हम ध्यान में रखेंगे, ठीक है। ये हम इसको गुड़ा में लिखेंगे। तो आपका ये इस तरह से कंप्लीट होता है। ये आप अगला क्वेश्चन आपको इसमें हम लिए हैं कि संख्याओं का भाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, ध्यान में रखना, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना, अभाज्य गुणनखंड के रूप में। 140, 3825 और 7429 लिए हैं। तो इसके बाद हम इसमें देखते हैं कि 140 को हम निकालते हैं, तो 2 से इसका हम गुणनखंड निकालते हैं, गुणनखंड निकालते हैं। तो इस तरह से 214 जीरो, 299 यानी, और 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10, फिर 5 7 35 7 1 के साथ ही कट गया। तो अभाज्य गुणनखंड इसको हम देखते हैं, 2 गुणा 2, यही वाला हम गुणा यहाँ पर लिख देंगे, 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। और इसमें देखें 2 दो बार है, तो 2 का पावर और गुणे 5 7, यही अभाज्य गुणनखंड, यही उत्तर आ गया। इसी तरह इसका भी करना है, जो कि हम आपको दिखाते हैं। ये है आपका 38-25 का, इसको गुणनखंड करते हैं। किनारे 5 है तो इसको हम 2 से काटेंगे नहीं, इसलिए 3 से चेक करते हैं। 3 चेक करें, 3 के 3, 3 दूना 6 और 1 इधर गया, तो 3 सत 21, फिर 1 इधर गया, ये 2 इधर गया था, तो 3 5 15, 3 चौक 12, 3 दूना 6, 3 5 15 और 5 करें तो 5 8 40, 2 गया तो 5 5 25, तो 5 से फिर काटा, 5 के 9 5 7 35 और 17 के 9 17 भाज्य संख्या है, इसको हम इतनी काटें। इसका गुणनखंड अगर हम किनारे निकाल यहाँ पर लिखते हैं, तो यही सारे गुणनखंड के रूप में हम लिख देंगे। 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17 और 3 का 2 बार है, तो इसलिए इतना ये चीज, यही भाज्य गुणनखंड, यही उत्तर हो गया। इसके बाद ये है अगला 7429, इसमें आपका 17 से इसको हम काटेंगे, 17 से ही कटेगा, इसलिए 17 से काटे, बीच में कटेंगे नहीं। उसके बाद 17 से काटेंगे, 17 चौको 68, इसी तरह फिर 3 बार काटा, फिर 7 बार काटा, फिर 19 से कटेगा, 19 से काटा, 19 दूना 38, 19 तीस 57, इस तरह से कट गया। तो 23 से काटा, 23 करना 23, 23 इक्के 23 हो गया। तो ये आपका कटने के बाद गुणनखंड 17 गुणा 19 गुणा 23, ये लिख दिया गया, ये भाज्य गुणनखंड, क्योंकि इतना ही आएगा इसमें। अगली हम सवाल लेते हैं, इसमें नेक्स्ट सवाल ये है आपका तीसरी, कि दी गई संख्याओं का मासा लासा ज्ञात करना है तथा इसकी जांच भी करना है। मासा लासा ज्ञात करना है और इसको जांच भी करना है। जब दो संख्या, यानी जांच क्या करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल और मासा गुणे लासा, यानी इधर मासा उधर लासा, लासा मासा का गुणनफल जो होगा वो दो संख्याओं का गुणनफल होगा। यही सत्यापन करने के लिए, मतलब पहले पार्ट से जितने भी क्वेश्चन आने हैं वही लिए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही आएंगे, इतने ही आप याद कर लेंगे तो पहले पार्ट का वो कुछ आएगा नहीं, अभी हम दिखा रहे हैं। तो 26 और 91 का दोनों का हम मासा निकाल, गुणनखंड कर निकाल लेते हैं। 26 का निकाला तो हमारा 2 गुणा 13 आएगा, 2 गुणा 13 निकाल लीजिए, और इधर 91 निकाले तो 7 गुणा 13, ये गुणनखंड अब करना जानते हैं, इसको कर लीजिएगा। तो इसमें मासा में होता है जो मिलता है उसको लिखते हैं, ध्यान रखना है, ये ट्रिक है। मासा में जो मिले वही लिखना है, लासा में मिले फिर ना मिले, दोनों ये ध्यान में रखना। इतना अगर ध्यान में रख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए मासा, पहले मासा लिख लेंगे, मासा जो मिले वही लिखे, तो 13 हमारा मिल रहा है, 13 लिख लिए मासा, यहाँ पर हम लिख दिए मिले। और लासा, लासा में पहले जो मिले, मिले तो 13 मिल रहा है, तो 13 लिख दिए इसमें, ठीक है। और जो नहीं मिल रहा है, 2 नहीं मिल रहा है ना, 2 नहीं मिला उसको भी लिख दिए, 7 नहीं मिला उसको भी लिख दिए, तो टोटल मिलाकर इस वजह से ये आपका गुणनखंड के रूप में यहाँ पर आ गया। और यही सत्यापन करना है, तो सत्यापन हम यहाँ पर करें, लासा गुणे मासा, लासा गुणे मासा का मतलब लासा आपको निकाले तो ये आ गया, इसको यहाँ पर, यहाँ देखिए ये आ गया। दोनों का अगर हम लासा मासा गुणा करें तो 2366 आ गया, 2366। अगर हम इनका भी गुणा कर लेते हैं, इन संख्याओं का, यानी 26 गुणा 91, तो ये भी इतना आएगा। ओके, यही सत्यापन है, यही सत्यापन है, यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल जो आया और लासा मासा जो निकाले, ये भी गुणा करने पर इतना ही आएगा। तो इस तरह से ये हो गया। और अगली संख्या हमारी ये थी, जिसको हम निकाल के दिखा रहे हैं, ये 336 और 54, 336 गुणनखंड इतना आएगा और 54 गुणनखंड इतना आएगा।
दोनों को हम यहीं पर किनारे निकाल लेंगे इसी तरह 336 इसे काट करके, तो आप निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, इतना निकाल ही लेते हैं। तो ये गुणनखंड, इसमें मासा हम बताए जो मिले, मासा में जो मिले वही लिखे, मासा में देखिए इसमें जो मिल रहा है तो हमारे देखिए दो मिल रहा है तो दो लिख दी, और इसके बाद तीन मिल रहा है, तीन लिख दी, अच्छा हो गया। अब लासा में जो मिले उसको लिखेंगे, जो ना मिले उसको, तो मासा में दो गुणा तीन तो मिल रहा है इसको लिख दिए, अब देखिए तीन दो और नहीं मिल रहा उसको भी लिख दिए, और ये तीन दो तीन और नहीं मिल रहा इसको भी लिख दिए, और सात नहीं मिल रहा इसको भी लिख दिए, सभी का गुणा कर लिए इतना आ गया। और सत्यापन करना हो तो इन दोनों का गुणनफल जो आएगा वही इन दोनों का गुणनफल आएगा, वही इन दोनों का गुणनफल आएगा, छह और इसका गुणनफल उतना आएगा जितना इन दोनों का गुणनफल आएगा, तो यही सत्यापन करना है। तो इस तरह से ये इतना था, एक क्वेश्चन हम और लिए हैं उसको दिखाते हैं आपको। ये है अगला क्वेश्चन, लंबी विभाजन प्रक्रिया क्रिया विन्यास संख्याओं का दशमलव प्रशांत शांत और अशांत आवर्ती में बताना है आपको। तो 13/31/25 यानी 3125, तो और ये 15/1600 और ये आपका 23/2 की पावर 3 और 5 की पावर 2। तो इस तरह से ये तीन हम लिए हैं, एक हम बता दे रहे हैं, उसके बाद आप सभी को दिखा देंगे, आप इसको नोट कर लीजिए क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा तो आप मानेंगे। तो इसमें देखिए 13 का गुणनखंड करेंगे तो ये होगा अकेले 13 की विभाज्य संख्या, और इसका गुणन करेंगे इतना आएगा गुणनखंड करने पर। तो इसमें हम 2 की पावर 5 से दोनों तरफ गुणा कर देते हैं आंसर में, तो इस तरह से ये इतना हो जाएगा 2 की पावर 5 यानी 2 को 5 बार भी और हम गुणा कर लेंगे दोनों तरफ, तो दोनों गुणन करने पर इतना बड़ा हो गया जैसा कि आप देख रहे हैं। तो देखेंगे 13 और इतने का गुणनखंड कर लेंगे तो 32 आ जाएगा, और इधर 5 × 10 × 10 इतनी बार 10 आ गया यानी कितना आ गया, जिसको हम अगर डिवीजन करेंगे जीरो जितना जीरो उतना दशमलव आगे इधर बढ़ा दी, भाग करने पर दशमलव इधर जाता है, गुणा करने पर दशमलव इधर जाता है, ये ध्यान में रखिए, बहुत आसान तरीके होती है। इसको भाग करेंगे, भाग करने के बाद दशमलव इधर, भाग करने से दशमलव इधर जाता है, गुणा करने से दशमलव इधर जाता है, क्या दशमलव तो इधर चला जाएगा। तो ये यहाँ पर देखिए 1, 2, 3, 4, 5 है, तो 1, 2, 3 हो गया, 2 जीरो लगा दी, दशमलव लगा दी, इस तरह से होगा। अब चूंकि गुणन हर के गुणन खंड में 2 की पावर 0 यहाँ पर देखेंगे 2 की पावर 0 और 5 घात 5 है, 5 घात 5 बन रहा है, अतः यह दशमलव प्रशांत शांत है, यानी हमारा जो नियम कहता है ये 2m में हो और गुणा 5n में हो, ये कंडीशन अगर हो तो जान लीजिए शांत है। तो ये कंडीशन मतलब कुछ भी 2 की घात कुछ हो और 5 की घात कुछ ही हो तो शांत हो जाएगा। तो इसी तरह इसको मैं देखें, इसमें भी देखिए 2 की घात कुछ है, गुणनखंड उसी तरह कर लिया, 2 घात कुछ है और इसकी घात 5 घात कुछ है, तो ये भी शांत है, लास्ट में देखते हैं तो ये शांत है, ठीक है। इसी तरह अगला देख लेते हैं 23, और इसमें 2 की घात कुछ है और 5 की घात कुछ है, इसका मतलब ये भी शांत हो जाएगा। तो इसी तरह ये देखिए हम दिखा रहे हैं सभी, आप नोट कर, इसका PDF जाके डाउनलोड कर लीजिए, ओके, PDF जाके डाउनलोड कर लीजिएगा, सब कुछ मिल जाएगा, वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए लास्ट सवाल और बता देते हैं आपको क्या है। यह लास्ट सवाल, सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है, इसको हम दिखा दे रहे हैं, इसको अगर कमेंट करेंगे तो इसको हम अच्छी तरह समझें क्योंकि ये बहुत लंबा जाएगा, अभी बनाएंगे। तो माना √2 एक अपरिमेय संख्या है और इसे a/b के रूप में लिख सकते हैं वो तो लिख ही सकते हैं, जहां a और b साभाज्य संख्या होंगी और b नॉट इक्वल 0, b 0 नहीं होना चाहिए, अगर a b के रूप में लिखना है तो b 0 नहीं होना चाहिए, ये फार्मूला कहता है, तो अपरिमेय संख्या कहती है। तो a और b में एक अतिरिक्त कोई वही संख्या गुणनखंड मतलब नहीं है, तो √2 ab के रूप में लिख सकते हैं, दोनों पक्षों में हम अगर दोनों पक्ष का वर्ग करते हैं, इधर का भी इधर को वर्ग करेंगे तो रूट हट जाएगा, ये देख लीजिए इसका वर्ग करेंगे तो स्क्वायर लग जाएगा। अब इसका हम पक्षांतर करेंगे, इधर इधर गुणा करेंगे, ये इधर गुणा हो जाएगा, इधर बटे एक मानेंगे इधर गुणा इतना हो जाएगा। तो यही कहता है कि 2a² को विभाजित करता है, 2a² को विभाजित करता है और 2a को भी विभाजित करता है, 2a को भी विभाजित करता है, अतः हम कह सकते हैं a/2m लिख सकते हैं जहां m कोई पूर्णांक है। तो समीकरण में a/2m रखने पर, समीकरण जो ये बना है इसमें हम a/मान रख देंगे, तो ये मान रखते हुए देखते हैं इतना लंबा हो जाएगा, तो b²/2m² तो 2b को विभाजित करता है, अतः 2b वही जो इधर किए हम जो इधर किए वही चीज फिर से इधर करना है वही मान। तो लास्ट में ही पता चलता है कि AB का एक के अतिरिक्त कोई भी घनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, हमें त्रुटिपूर्ण कल्पना कर ली है, अतः यही सिद्ध करना है, कुछ भी नहीं है, बस यही वीडियो था। इसका हम लॉन्ग वीडियो बना देंगे, बड़ा हो जाएगा,
इसलिए 60 में जल्दी समझा दिए। अगर कमेंट करेंगे तो अच्छा वीडियो, इसका एक ही सवाल का ये जरूर आता है, लगभग जरूर मतलब ये बहुत आता है, इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब इसी तरह और भी संख्याएं हैं, रूट थ्री है, रूट कुछ भी है, रूट रूट में अपरिमेय संख्या बताना है। तो आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा हो, इस सारे क्वेश्चन की पीडीएफ हम आपको दे देंगे। और अगर आपको हमारे चैनल से जुड़ना है, हम मोबाइल और टेक्नोलॉजी संबंधी वीडियो देते रहे, अगले पार्ट की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर नेक्स्ट वीडियो आएगी, इसलिए आप हमें चैनल को सब्सक्राइब प्लीज लाइक भी कर दीजिएगा, क्योंकि कुछ भी आपका नहीं जाएगा, और कमेंट भी कर दीजिएगा, अच्छा बुरा जो भी कमेंट कर दीजिएगा, कमेंट करेंगे तो हमें आपसे कुछ ना कुछ जरूर राय मिलेगी, जो भी गड़बड़ी हो, जो भी अच्छा हो। और अगली वीडियो फिर आएगी दूसरे पार्ट की, और इसी तरह विज्ञान की भी लाएंगे, सभी सब्जेक्ट की लाएंगे, धीरे धीरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी डालते जाएंगे, क्योंकि परीक्षा आने से पहले पहले की बार आपको अच्छा मार्क्स लाना है। ओके, चलिए वीडियो करते हैं यहीं पर एंड, संतोष कुमार को दीजिए और बने रहिए टेक्नो प्लस स्टडी चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। We'll be right back.